गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता एक के बचे हुए दो पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेटा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहले वीडियो में हमने पहला और दूसरा पद पढ़ा दिया था, आज इस वीडियो में तीसरा और चौथा पद पढ़ाएंगे। तो देखिए बेटा, तीसरा पद देखिए। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। देखिए बेटा, तीसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करती हैं जिस प्रकार से, देखिए बेटा ये जो हारिल आया ये पक्षी है हारिल, और इस हारिल पक्षी की विशेषता यह है कि ये जब भी आसमान में उड़ता है तो यह हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी, देखिए लकड़ी मीन्स होता बेटा लकड़ी, ये हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा करके उड़ता है। तो गोपियों ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, हम हारिल पक्षी के समान हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते समय हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को उसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। हम एक पल के लिए भी अपने उस जीवन के आधार श्री कृष्ण को नहीं भूलती। देखिए बेटा, मन करम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। देखिए गोपियाँ कहते हैं कि हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, क्या बेटा नंद कौन है, श्री कृष्ण के पिता के का नाम है, यशोदा के पति और श्री कृष्ण के पिताजी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नंद नंदन यानी नंद के बेटे और यानी हृदय से यह दृढ़ करी पकड़ी, करें कि हम मन से, कर्म से, वचन से नंद श्री कृष्ण को अपने दिल में संजोए हुए हैं, अपने दिल में धारण किए हुए हैं, यह दृढ़ करी पकड़ी, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में मजबूती से लकड़ी को दबाकर उड़ता है, उसी प्रकार हम भी मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने मन में संजोए हुए हैं, अपने मन में बसाए हुए हैं, अर्थात हम उन्हीं से प्रेम करती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हे कान्हे जकड़ी। गोपियाँ कहती हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस मिस दिन में और निसी मिस रात में कान्हे कान्हे जकड़ी, करे कि हम जागते, सोते, सपने में, दिन में और रात में श्री कृष्ण के नाम की ही रट लगाती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। देखिए बेटा, जोग उत्प्रेक्ष अलंकार है, करे कि आपके जोग क्या है, ये योग साधना। अब देखिए बेटा, योग साधना का संदेश क्या होता है, मैंने 9th में बताया था बेटा, भक्ति दो प्रकार की होता है, होती है सगुण और निर्गुण। देखिए बेटा, तो यहाँ कौन सी भक्ति की बात की गई है या निर्गुण भक्ति की बात का संदेश लेकर आया है उद्धव। निर्गुण मैंने कहा था, सगुण क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी मूर्ति को सामने रख करके उसकी पूजा करते हैं तो सगुण भक्ति, और निर्गुण मन से यानी जिसमें फीलिंग हो खाली, तो वो कौन सी होती है, निर्गुण भक्ति। देखिए कह रहे कि तुम तो हमारे लिए योग यानी एक योग साधना का, ऐसा योग साधना का संदेश ले आए हो जो हमारे सामने एक कड़वी ककड़ी के समान है। यह योग साधना का संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ने करी। व्याधि मीन्स होता बेटा बीमारी। गोपियाँ कह रही है उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जिसके जिसे ना तो हमने कभी देखा और ना ही सुना और ना ही जिसको हमने भोगा। यह तो सूर तीन ही लहसों को जिनके मन चकरी। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, आप यह योग साधना का संदेश ऐसे लोगों को ले जाकर के दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। देखिए बेटा, चौथा पद देखिए।
हरी है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। देखिए बेटा चौथे पद में गोपियाँ, एक गोपी दूसरी सखी गोपी से कहती है, हे गोपी अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है, अर्थात अब तो हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलने लगे हैं, पॉलिटिशियन हो गए हैं। समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, कह रहे कि आपने उद्धव द्वारा के ये आपने इस उद्धव के इन सभी समाचारों को सुन लिया है और क्या आप तुम इनको समझ गए हो। आगे देखिए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अरे एक तो ये पहले से ही बहुत चालाक थे और अब इन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, देखिए हे सखी अब तो इनकी बुद्धि और बढ़ गई है जो ये योग साधना का संदेश सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत दाए, गोपियाँ कहती है उद्धव पहले के लोग, आगे के मतलब होते हैं पहले के लोग बहुत भले थे पर हित डोलत दाए, बेटा पर मिस होते दूसरे, डोलत दाए दूसरे के भले के लिए आगे पीछे घूमते थे, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। गोपियाँ श्री कृष्ण से उद्धव से कहती है, हे उद्धव हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारा मन वो वापस लौटा दे जो ब्रिज से जाते समय मथुरा चुरा करके ले गए थे, वो हमारा मन हमें वापस लौटा दें। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि एक तो वो स्वयं से अनिति का कार्य करते हैं, ठीक है, और दूसरों से करे कि श्री कृष्ण ने योग साधना का संदेश भेजकर उनकी प्रेम की रीति निभाने की भावना को ठेस पहुँचाई है, अर्थात कह रहे कि वास्तव में ये गोपियों के लिए अन्याय है। अब आगे देखिए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाही सताएं, और अंत में सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव राजा का असली धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए। तो बेटा ये आपकी कविता पूरी हो गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।